सुधारिए। और देखिएगा कि ये कहानी आपको समझाता है कि वो रूप कैसे करता है। मैंने पहले भी बताया कि एकलव्य जी ने द्रोणाचार्य से निवेदन किया कि मुझे धनुर्विद्या सिखाइए, और द्रोणाचार्य ने कह दिया कि तुझे मैं नहीं सिखा सकता, मैं मात्र क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाता हूँ, तुझे नहीं सिखा सकता। लेकिन एकलव्य के मन में एक जिद्दी थी कि मुझे तो ये सीखना ही है, और मन में सोचते हैं कि गुरु न सिखाएं तो क्या, गुरु की भक्ति मुझे ये शिक्षा दे देगी। उन्होंने द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया, ये कोई मूर्तिकार तो थे नहीं कि भाई द्रोणाचार्य का है हूबहू मूर्ति बना दें, उन्होंने जैसे तैसे बनाया होगा। मूर्ति कितना स्पष्ट है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस मूर्ति के प्रति आपका भक्ति कितना स्पष्ट है ये महत्वपूर्ण है। मूर्ति बहुत स्पष्ट हूबहू बन गई हो किसी गुरु की किसी देवताओं की, लेकिन आपका उसमें लगन श्रेष्ठ नहीं होगा तो मूर्ति से आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप राजस्थान जैसे क्षेत्रों में देखते हैं बैरू जी के देवियों के खाली पत्थर का पिंड लगा होता है, एक गोल पत्थर जिसको चमकी वगैरह लगा करके वो लोग पूजा करते हैं। उस पूजा में ना हाथ पैर है उस मूर्ति के, ना शरीर है, ना कोई प्रकार का रूप है, लेकिन उसकी पूजा करके सिद्ध पुरुष हुए साधु राजस्थान में कई देखे जाते हैं, क्योंकि उस पत्थर में क्या श्रेष्ठ रूप था ये कोई महत्व नहीं रखता। हमारा ध्यान उसमें कितना स्पष्ट लग रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। तो एकलव्य ने ऐसा स्पष्ट ध्यान किया, ऐसे स्पष्ट दिमाग लगाया कि द्रोणाचार्य के अंदर रही हुई सभी धनुर्विद्या के जितने दाव पेच सूत्र ज्ञान था पूरा वैसे के वैसे एकलव्य में उतर गया, और अर्जुन से भी आगे परांगत एकलव्य हुए, जिसके डर के मारे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। ऐसे आगे कहानी आती है, इसकी चर्चा हमको नहीं करनी है, इसके अंदर छुपे हुए तत्व के बारे में समझना है कि किसी भी रूप में ध्यान करते हैं तो वैसे ही हम बन जाते हैं। इस बात को हम समझ लेते हैं तो जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज मैं कई लोगों के डीपी देखता हूँ मोबाइल में, जिनके कोई मैसेज आते हैं तो हम डीपी देखते हैं, तो उस डीपी में परसों एक लड़के का, जो जवान लड़का कमाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हो कुछ काम कर रहा हो, उस लड़के का डीपी दिखा, तो उसमें डीपी में उसने लिखा है मेरा जन्म ही तबाह होने के लिए हुआ है। अब मैंने मन में सोचा कि जिसने पहले ही निर्धारित कर लिया कि मेरा जन्म तबाह होने के लिए हुआ है, वो अब तबाह नहीं होगा तो क्या आबाद होगा? हमारी सोच कैसी है? कई लोगों के डीपी में ऐसी ऐसी बातें होती है, मैं कुछ भी करता हूँ तो सफल नहीं होता हूँ, जिंदगी कोई एक सुखमय चीज नहीं है, ये संसार बड़ा दुखी है। यही बातों को 24 घंटा सोचने वाला व्यक्ति भी खुद दुखी ही रहता है, क्योंकि आपने जिस चीज पर विचार किया उसकी ऊर्जा आपके अंदर उतरने लगती है और वो ऊर्जा काम करके ही रहती है। और जब भी आप किसी भी सुखी करने वाले दुखी करने वाले विचार को करते हैं तो विचार करते ही उस विचार संबंधी दृश्य को आपका दिमाग देखने लगता है।